अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं हूं पीजा शारिक और आपको बता दें कि इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शोपियांग के इहाते में है और आपको बता दें कि आज नेशनल लोक अदालतों का जो है काम किया गया। इन लोक नेशनल लोक अदालतों के जरिए लोगों को जो तनाजात होते हैं या फिर मुकदमात होते हैं, जो पेंडिंग पड़े केसेस होते हैं, उन्हें निपटाया जाता है। और यही कोशिश की जा रही है कि एक या लोक अदालतों के जरिए या नेशनल लोक अदालतों के जरिए उन लोगों को कानूनी सहायता के लिए मजबूर होते हैं, उन्हें कानूनी सहायता दी जाती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई सारे केसेस जो है उन्हें ऑन स्पॉट निपटाया जाता है, उनका हल निकाला जाता है, खुश असलूबी से इन तनाजात को जो है निपटाया जाता है। और आपको बता दें आज शोपियां में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से नेशनल लोक अदालत का क्याम किया गया। ये साल में चार लोक अदालतें होती, नेशनल लोक अदालतें होती, और आज ये गालिबन चारवीं लोक अदालत थी। और आज इसमें तहसील, आज इसमें मुंसिफ, सीजीएम, सेशन जज और तहसीलदार साहब, इन्हीं के सामने जो पेंडिंग पड़े केस, पेंडिंग पड़े तनाजात है, उनकी आज कानूनी चारागोही की गई और कई सारे केसेस जो है वो ऑन द स्पॉट निपटाए गए। और मजीद इसके बारे में सीजीएम साहब शोपियां से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हाँ, आपको पता है कि हर साल यार नेशनल लोक अदालत लगती है और ये हर साल एक साल में एक दो दफा रिपीट होती है। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा वो जनरल पब्लिक को होता है और लोक अदालत का मुद्दा और मकसद यही होता है कि लोग आपस में बैठकर सलाह समझौते के साथ विन विन सिचुएशन में कोर्ट से निकलते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी ट्रायल चलती है जिसमें सालों साल लगते हैं और लोग तंग आते हैं और एक वक्त पे एक फैसला आता है जिससे लोग उतने मुतमईन नहीं होते। यहाँ ऐसे मसले डायरेक्टली उनको, दोनों पार्टियों को मुतमईन किया जाता है कि जो उनके हकूक होते हैं उसके मुताबिक फैसले होते हैं और उनको फ्यूचर के लिए जो झगड़ा या जो तनाज़ा होता है वो हमेशा के लिए सॉल्व होता है। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद दो चार फील्ड्स में है। नंबर वन फील्ड है जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें मियां बीवी के आपस में झगड़े, आपस में जो उनके तनाज़ा होता है या किसी चीज़ को लेकर गलत फहमियाँ, उनको दूर किया जाता है। इसमें मीडिएशन भी आता है, रिकन्सिलेशन भी आते हैं और बहुत सारी प्रोसीडिंग्स है और बहुत सारे स्टेजेस में ये मसले हल किए जाते हैं।